अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क की सियासत में हलचल है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। ममनुआ फंडिंग केस हो, तोशाखाना केस हो या शहबाज़ गिल की गिरफ्तारी, इस पूरे अमल पे आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी डिटेल्स, और उन्होंने बताया कि किस तरह इस वक्त एक मखसूस बयानिया बनाया जा रहा है और तहरीक इंसाफ को फ़ौज के सामने ला खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और अपने इदारों के ख़िलाफ़ ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के प्रोपेगेंडाज किए जाते रहे, लेकिन इस दफ़ा भी ये जो साजिशी हैं, जो साजिश के ज़रिए हुकूमत में आए वही लोग इस वक्त प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज एक बार फिर इस चीज़ पे जोर दिया कि पाक फ़ौज है तो ये मुल्क है और मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ जो है हमें पाक फ़ौज है, और कोई भी इदारा जो है वो उस पे तनकीद नहीं हो सकती, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है। और इस तरह की का जो तासुर दिया जा रहा है ये मखसूस लोगों की तरफ से और ख़ासतौर पे हुकूमत एक प्रोपेगेंडा चला रही है जो ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों के ख़िलाफ़ है। इसमें चूँकि बड़ा सख्त रद्द अमल हुकूमत की तरफ से भी आ रहा है, और गिरफ्तारी शहबाज़ गिल साहब की हुई है और उसके बाद चूँकि इस बयान को लेकर पिछले 24 घंटे से बड़ी बातें भी हो रही हैं, डिस्कशन भी हो रही हैं, प्रोग्राम्स भी इसी पे किए जा रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि बगावत की दावत देना आज़ादी इजहार नहीं और सख्त एक्शन होगा और मज़ीद एक्शन भी होंगे। वज़ीर दाखिला भी यही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह जो शहबाज़ गिल का बयान जो था उनका ज़ाती नहीं था, तयशुदा बयान था, और ये बयान किसने दिलवाया, इस पर बड़ी डिस्कशन भी हो रही है। दूसरी तरफ असद उमर साहब ने भी कहा कि पीटीआई और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौन है जो ये साजिश कर रहा है और कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, वोटर्स हैं, और मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है और उनकी नुमाइंदगी है, क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? ये चूंकि हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और ना ही पाकिस्तान के लिए। क्या इन तमाम हालात में जो एक सियासी शिद्दत पसंदी इस वक्त पाई जा रही है मुल्क में, इसका खात्मा हो सकेगा और डायलॉग की तरफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आएंगे कैसे आने वाले दिनों में? चूंकि जब इलेक्शंस का भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस भी होंगे, अगर इलेक्शंस वक्त पर भी होते हैं, रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए, तो क्या ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इकट्ठे होंगे और आगे बढ़ेंगे? चूंकि -1 की भी बातें हो रही हैं और शायद कहा यह जा रहा है कि खान साहब को नाइल करार दे दिया जाएगा, जो अभी फैसला आना बाकी है, और टेक्निकल नॉकआउट ग्राउंड्स पे इनको आउट करने की बातें हो रही हैं। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो माजी में इससे पहले भी होती रही हैं। मियां नवाज़ साहब का केस भी हमारे सामने है। क्या मौजूदा हालात में ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी और इसका जो रद्द अमल है वो कैसे होगा, कैसा होगा? और जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, इसकी बालादस्ती की बात करते हैं, तो उसमें जो इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हो या इस वक्त मौजूदा PDN इतिहाद की जो हुकूमत है उनका दौर हो, ये चीज़ें हमें खुलकर सामने आ रही हैं। मीडिया पे पाबंदियों की बात हो और डिवाइड नज़र आ रहा है इदारों के अंदर भी, इदारों के बाहर भी, मीडिया डिवाइड है, अदलिया डिवाइड है, और इसी तरह पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो हैं वो भी एक दूसरे को सुनना और देखना पसंद नहीं करते। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा उज़्मा रियाज़ जदून साहिबा, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की। उज़्मा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। दायरा औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA हैं और सीनियर सियासतदान हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको भी दायरा औरंगज़ेब साहिबा। जी, थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शमीम मुमताज़ साहिबा ज्वाइन करेंगी, सीनियर रहनमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ उस्मा रियाज साहिबा आपसे करेंगे, किस तरह देखती हैं, चूँकि शहबाज़ गिल साहब की गिरफ्तारी हुई और उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है फ़ौज के सामने ला खड़ा किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस तरह की साजिश हो रही है, साजिश वो लोग कर रहे हैं जो साजिश के ज़रिए खुद इख्तदार में आए हैं। खान साहब चूंकि बड़ी डिटेल उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस तरह की कहा यह जा रहा है शायद खान साहब की गिरफ्तारी भी होगी, आपकी बाकी लीडरशिप के हवाले से भी बातें हो रही हैं,
वज़ीर दाखला ये कह रहे हैं कि किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा, जो भी कानून हाथ में लेगा उसको सज़ा मिलेगी। किस तरह देखती हैं इस पूरे माहौल में, चूंकि शहबाज़ गिल साहब तो गिरफ़्तार ज़्यादा हो चुके हैं, अब खान साहब के हवाले से, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से भी बातें हो रही हैं, और आज की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। देखिए रईस साहब, असल में मसला ये है कि जब भी हम बात करते हैं कि जी भी हमने किसी भी इदारे के खिलाफ बात नहीं करनी, या किसी भी इदारे को अपने आईनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए, और किसी इदारे को भी एक दूसरे की हदूद को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये होना चाहिए इसी तरह से। लेकिन देखिए अफसोस इस बात का होता है कि जब राणा सनाउल्ला साहब जैसे लोग ये बयान देते हैं कि जी कानून से कोई बाला नहीं है और कानून सबके लिए बराबर है, बिल्कुल भी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और हमें इसी बात का अफसोस है कि हम चाहते हैं, अगर पाकिस्तानी कवानीन को देखें तो पाकिस्तान के अंदर ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री है ये, कि इधर इतनी लेजिस्लेशन हो चुकी है, जी लेकिन सबसे बड़ा मसला आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का, कि अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इन कानूनों को अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और कानून की बालादस्ती इस मुल्क के अंदर हो जाए, तो कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, और हर शख्स अकाउंटेबल होना चाहिए, और उसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट खुद भी करे, लोग करें, इदारे करें, और आईन और कानून के अंदर रहते हुए तमाम डिसीजंस लिए जाएं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जिस वक्त खान साहब के खिलाफ जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई, एक साजिश के तहत इस हुकूमत को लाया गया और असेंबली के अंदर बिठाया गया, तो और उस जिन चीजों के ऊपर खान साहब ने खदशात का इजहार किया था कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और इस रजीम चेंज ऑपरेशन के साथ किस तरह से मुल्क के अंदर तबाही लाई जाएगी और किस तरह से मुल्क के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी के मसले के साथ साथ इकोनॉमी इकतदारी हालात हमारे खराब होंगे, तो वही हुआ जो खान साहब के खदशात थे, वही 3 महीने के अंदर अगर देखा जाए तो सामने आते जा रहे हैं, लोगों को पता चलता जा रहा है कि वो लोग जो पीडीएम में 13 जमातें इकट्ठी हुई एक खान साहब के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, और उन्होंने ये बयानिया दिया कि जी क्योंकि ये नाअहल है, ना तजर्बेकार है, ना लायक है, जी और इन्होंने इतनी ज्यादा महंगाई कर दी है और ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो आज आप देखें कि वही जब इक्तदार के अंदर आए तो उन्होंने 3 महीने के अंदर पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ पे लेकर आए, बिल्कुल उसमें और रियाज साहब, डॉलर की इसमें तो कोई कीमत शक नहीं, कहाँ पे महंगाई गई। जा रहा है, वो दावे कर रहे थे तजर्बेकार रहे, तजर्बा उनका काम नहीं आया। दूसरी तरफ चूंकि इस वक्त पंजाब और केपी में आपकी हुकूमत है, कश्मीर में, जीबी में भी आपकी हुकूमत है, अगर हुकूमत और अक्सरियत के लिहाज से देखें तो आपके पास नुमाइंदगी है, आपके पास ज़्यादा हिस्सा है इकतदार का, और वफाकी हुकूमत चूँकि मुस्लिम लीग नोड और उनके इतिहादियों के पास है। डायलॉग की तरफ हम किस तरह आ सकते हैं? इल्ज़ाम दोनों तरफ से लग रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि पंजाब में आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, वफाक में वो कर रहे हैं, तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं चलता और ना ही सियासत इस तरह आगे चल सकती है। ये इससे नुकसान रियासत का है, नुकसान पाकिस्तान का है। हम 75 साल देखिए में बना रहे हैं, 14 अगस्त को 75 साल हो जाएंगे पाकिस्तान को, तो हम ट्रैक की तरफ कैसे आएंगे अगर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आप हों या दूसरी जमातें हों, अगर वो डायलॉग की तरफ नहीं आएंगे, टेबल पे नहीं आएंगे, डिस्कशन की तरफ नहीं आएंगे, तो मामला सेट कैसे होंगे? रईस साहब, यही इसी बात का तो अफसोस है कि जब तक इस मुल्क के अंदर कानून सख्त नहीं हुआ और कानून के अंदर तमाम लोग ना आए, तो यही चीज हमेशा से रहेगी और एक एक कहले के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रहेगी। देखिए अफसोस इस बात का होता है ना कि आज आपने शहबाज गिल साहब के बयान को तोड़ मरोड़ के बयान किया और उसके बाद उनके ऊपर बगावत और इस तरह से आपके एलिगेशंस लगा दी, आपने कहा कि ये मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये इदारों और फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब ये देखें कि खान साहब ने आज तक कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि वो ये कहते हैं कि मैं इस मुल्क के लिए जरूरी नहीं हूँ जितना फौज इस मुल्क के लिए जरूरी है, और फौज के बगैर इस मुल्क का कयाम मुमकिन नहीं है।
तो देखिए ये बातें करनी कि जी हम इदारों के खिलाफ जा रहे हैं, इन्हें अक्सर असल में बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट को हमारे खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, खान साहब के खिलाफ जब कोई चीज नहीं मिली तो इन्होंने बगावत की चीजें खान साहब के ऊपर एक तरह से एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जी ये बगावत में जा रही हैं, इनको नाअहल किया जाए, इनके पास कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए गलत किस्म के प्रोपेगेंडे करके, देखें अगर आप समझते हैं कि शहबाज गिल के अगर बयान ठीक नहीं है या उनको तोड़ मरोड़ के बयान किया जा रहा है, उन्होंने डायरेक्टली अभी तक फौज को हिट नहीं किया, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मरियम नवाज के बयान को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, शहबाज शरीफ के बयान को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, मौलाना फजल रहमान के बयान को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, एमकेएम का जो लीडर था जो जिस किस्म के बयान देता था उनके क्यों इग्नोर किया जा रहा है, एम से एम जाई जा रही थी फौज की, पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो पीटीआई का हो या पीडीएम की किसी जमात का बंदा हो, लेकिन इस तरह से टारगेट करना और कहते हैं ना कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना या पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा, ना हमें कबूल और ना अवाम को ठीक है कबूल उस्मान है। रियासत भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रही थी, इसमें कोई शक नहीं। इदारों के ऊपर जो जितने भी आपने नाम गिनवाए, इसमें कोई शक नहीं, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो हों, मरियम बीबी हों, अयाज सादिक साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, जावेद लतीफ़ साहब, बहुत एक तवील लिस्ट है। हमेशा नाम ले लेकर फौजी क़यादत का और उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे, बयान देते रहे, ये तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं चीज़ें। लेकिन चूंकि इस तरह की सज़ाएं, या चाहे शहबाज़ गिल साहब करें या कोई भी लीडरशिप करे, वो रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ज़ाती मफाद के लिए और अपनी पार्टीज़ के मफाद के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, और वक्त पड़ने पे कोई नज़रियाती हो जाता है और किसी के नज़रियात बदल जाते हैं। कोई इस असम्बली को नहीं मानता, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो इसी असम्बली के अंदर वजारत उस्मा भी ले लेते हैं और इक्तदार भी संभाल लेते हैं। ये हमारी सियासत का बदकिस्मती से ये एक रीत है। तारा और अकजेब साहिबा, गुफ्तगू आप सुन रही थी उस्मा रियाज साहिबा की, एक बात तो बिल्कुल एक वाजे है, रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए और हो रही है, और ये कोई शहबाज़ गिल साहब ने नहीं, आपकी लीडरशिप ने और आपके इत्तेहादी जो है वो ये क्रॉस कर चुके हैं नाम ले लेके। और जरदारी साहब ने तो कुछ दिन पहले ही एक जनरल साहब का नाम लिया था, तो ये चीज़ें बदकिस्मती से हो रही हैं, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? और अगर इस तरह पिक एंड चूज़ वाला मामला होगा तो ज़ाहिर सवालात खड़े होंगे, और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, चूँकि हुकूमत आपके पास है, वफाकी हुकूमत आपके पास है, इदारे आपके पास हैं, एक्शन आप ले रहे हैं, और आप नहीं समझते कि इस तरह की कार्रवाइयों की वजह से हालात मज़ीद बिगड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ख्याल है हालात अब सुधरने की तरफ जा रहे हैं। मेरी मोहतरम बहन, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, कह रही थी जी कि जी खान साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो इन्होंने ये काम शुरू किया। खान साहब के खिलाफ तो सबसे बड़ा सबूत मोहसिन बेग ने दिया कि 8 साल तक G7 में घर किराए का लेके रहे बेनीगाला से पहले, और उसका किराया दिया अमेरिकन कॉन्सुलेट ने, तो किस खाते में दिया, क्या रिश्तेदारी थी उसपे? तो करें तहकीकात, अब हुकूमत आपके पास है, उन पे बनाए ना केस। कोई रिटर्न नहीं, FBR में तो कोई रिटर्न जमा नहीं कि उस कोठी का किराया खान साहब ने अपनी जेब से अदा किया जिसमें 8 साल तक T7 में रहे, वो कहाँ से पैसा अदा होता रहा? और सबसे बड़ी बात है, जब इलेक्शन कमीशन 8 साल तक इनका फॉरेन फंडिंग केस डिले करता रहा तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा आदमी था, बहुत नेक था, जब उसका फैसला हो गया तो आप इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दें। ये अदारों के साथ इनकी दिलचस्पी है, और ये इलेक्शन कमीशन खान साहब का ही मुकर्रर करता था, हमारा लगाया हुआ नहीं था। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने मेरिट पर फैसला किया है कि फॉरेन फंडिंग केस की ये सबूत हमारे पास आए आए हैं, और उनसे भी लंदन में केसेस दायर हो गए हैं जिन्होंने ये चैरिटी का पैसा भेजा, और जो चीफ बॉय थे उनके खाते में भेजा जिनकी 25,000 तनख्वाह थी, 35,000 तनख्वाह थी, और अरबों के 5 अरब और 7 अरब के उनके अकाउंट में पैसे आए, और वो खैरात का पैसा फिर PTI ने अपनी सियासत पर खर्च किया, ये भी सबूत आ गए। और सबसे बात बड़ी बात, जब खान साहब पे फॉरेन फंडिंग केस साबित हो गया है तो और किस सबूत की जरूरत है? इन्होंने राणा सरावला को गाड़ी में हिरन रख के तो मोटरवे की जो टूल प्लाजा क्या सीसीटीवी
कैमरे लगे होते हैं जी जी वहां पर, कहा जी इनकी डिग्गी से ये हीरोइन बरामद हुई ठीक है। है तारा ऐसे औरंगजेब साहब, तो हालात अभी देखिए हुकूमत आपकी है, एएनएफ आपके आपका इदारा है, आपके मातहत आता है, उसको लें एक्शन लें, और जो जो लोग इसमें मुलव्वस से जुटे केसेस में उनको भी एक्सपोज करें, और जो इस वक्त आप कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर जो केसेस बनते तो उनको अदालत में लेके जाए ना। मसला ये है कि तो ना हम आप लेके लेके जा जा रहे रहे हैं हैं ना, जी हमने जी आपसे पूछना नहीं, आपका मशवरा नहीं चाहिए, हम सबको लेके जाएंगे और कानून के दायरे में जो कार्रवाई होगी सबके खिलाफ होगी। बिल्कुल अगर ठीक कह रही है नवाज तारा शरीफ औरंगजेब साहब, जाए मियां साहब को भी बुलाएं सबका लंदन से, नाम हम मशवरा तो नहीं दे रहे हैं हम लेके, आपको, लेकिन उनको भी बुलाएं, उनके उन, 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 आप वो भी मफरूर है। अदालत अदालत उनको अदालत को कानून के दायरे में लेके जाए, अदालत में लेके जाए, तायरा आप औरंगजेब क्या कर साहिबा, रहे मियां हैं? नवाज आप शरीफ मुझे साहब भी मशवरा मतलूब दीजिए, हैं, अदालत को उनको भी लेके आए ना, मफरूर हैं। नहीं आपने मुझे मशवरा देने वाले कौन होते हैं? हम आप सवाल मुझे कर रहे हैं ना मशवरा आपसे, देने हम वाले ही कौन मशवरा होते देंगे हैं? और सवाल कर रहे कौन हैं, मैं देगा आपको आपको जवाब दे मशवरे? रही हूँ। नहीं आपने कहा उनको भी अदालत में लेके जाएं, उनको कानून से आप लेके जाएंगे, तो लेके आपको जाए मैं ना, कानून लेके से जाए ना। लेके जाऊंगा? आपका मसला यह है कि आप इधर उधर बातें करते हैं, जलसे जुलूसों में बयानिए बनाते हैं, जब कार्रवाई करने की बात होती है तो वहां नहीं करते। अगर तो आप इतने मुखलस हैं तो आप राणा सनाउल्लाह साहब वाला केस है, आपको पता है ना, एएनएफ के खिलाफ करें ना एक्शन, क्यों नहीं कर रहे आप हमने उनके खिलाफ तो सबसे एक्शन नहीं ले हमने रहे? आके आप बात मियां किया नवाज शरीफ सर, साहब को बुला के लाए ना, आपकी हुकूमत है, आप उनके इसहाक डार साहब को वजीर खजाना बनाने के लिए तो उनके उनको उनको वीजा जारी कर देते हैं, उनको पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब हमारा दिल करेगा हम नवाज शरीफ को लाएंगे, आपके मशवरे से नहीं लाएंगे, ना आपकी औकात है कि आप हमें मशवरा दें, आप अपने हिसाब में रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून के दायरे में शहबाज गिल की आज गिरफ्तारी अमल में आई है, ये कोई हमने अपने पास से नहीं, अदारे अपने पास से कुछ नहीं करते। तारा औरंगजेब साहिबा, मसला ही आपका ये है, आपका मसला ये है। नहीं वो हमारा एतराज हसन साहब बिल्कुल ठीक कहते थे, हमारा आपको ये इक्तदार मसला मिलता है नहीं तो है, आपके आप आपकी गर्दन में मशवरे सरिया आ नहीं जाता दे है। रहे हैं, आप आप बुलाएं ना, जो मफरूर शख्स है वो वहां बैठ के क्या कर रहा है, आप बुलाएं। सबसे पहले तो आगाज आप वहां से करें ना, आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते, आप खुद कठपुतली है, आप किसी के इशारे पे चलते हैं, आप तो खुद कुछ कर नहीं सकते, आप क्या मशवरा मानेंगे? आप होता क्यों? वाह, आप तो ले नहीं सकते तो हम ही लेंगे ना, आप तो खुद तो ले नहीं सकते क्योंकि आप हाथ बांध के आगे खड़े होते हैं, आप तो सवाल भी नहीं कर सकते, सबसे बड़े जमहूरी होने के दावे करते हैं आप। यही तो कमाल है आपका, आप ना जवाब दे सकते हैं, आप एक्सपोज होते हैं, आप अपनी लीडरशिप के सामने बात नहीं कर सकते, मीडिया पे आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और चले जाते हैं, जब सवाल करते हैं तो फिर आप लाइन ड्रॉप करके गायब हो जाते हैं। तो ये आपका खासा है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हमेशा आपके साथ ये होता रहा है। और जो मफरूर हैं उन लोगों को, मरियम बीबी जो अदालत को मुलजमा हैं, वो आपकी कैबिनेट में बैठ के आपके फैसले कर रही हैं, तो जाहिर है जब इस तरह की जमहूरियत होगी तो इसी तरह मुल्क चलेगा, इसी तरह आपकी इकॉनमी चलेगी और इसी तरह आपका जो तजर्बा है वो एक्सपोज होगा। यही वजह है कि आप पंजाब में एक्सपोज हुए और पंजाब में आपको भरपूर शिकस्त हुई। उज़्मा रियाज़ जिदुन साहिबा, गुफ्तगू आप सुन रही थी, वो तो माइक छोड़ के चली गई हैं, जाहिर है जब जवाब नहीं बनता तो आप मैदान छोड़ के भागते हैं। देखिए जी, जिस वक्त भी जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं ना, और इन लोगों की तरफ से हमेशा इसी किस्म का रूट बिहेवियर होता है, और ये दूसरे को मजबूर करते हैं कि उन दूसरा शख्स भी उन्हीं की लैंग्वेज में उनके साथ उसी तरह से बात करे। बात यह है कि अगर आप लोग तरीके से रहें, कानून की बालादस्ती को माने, जो शख्स भी है जी, जो शख्स भी है, मैं समझती हूँ पहले मुझसे शुरू करें, अगर खुदा ना खास्ता मैं किसी किसी फॉरेन एजेंडे पे काम कर रही हूँ, या मैं बाहर बैठ के और मैं लीडर बनने के चक्करों में तो हूँ कि मुझे लीडर बनाया जाए, और जब मेरे मुल्क के लोगों को मेरी जरूरत हो और मैं आने से सिर्फ इस तरह से कतरा हूँ कि नहीं जी मैं अगर आई तो मुझे जेल हो जाएगी, और 50 रुपए के स्टैम्प के ऊपर ये आज जाके इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और वहां पे बैठ के तो ये आज तमाम पार्टी को डील कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो पहले नवाज शरीफ साहब जो थे वो जरदारी साहब को, जरदारी साहब जो थे वो इनको क्या तो क्या कहते थे, वो आप सबको पता है कि मतलब किसी से कोई चीज छुपी भी नहीं है। लेकिन देखिए जब आज बात होती है ना, हमें मैं सबसे पहले ये बात कहती जी जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी खराब हो सबसे पहले देखें, मैं खान साहब की बात करती हूँ, लेकिन इन लोगों ने किस चीज के अंदर खान साहब को इन्वॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की? मतलब देखिए इन्होंने तोशाखाना के अंदर खान साहब को इन्वॉल्व किया, और जिस सब हमने बात की कि बिल्कुल तोशाखाना की तमाम रिकॉर्ड निकलने चाहिए,
जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से लिया, जो कुछ जरदारी साहब ने लिया, ये जी पिछले 30 साल का आप सिर्फ रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड हो, और उसके अंदर बताओ कि कौन सी चीज किसने कहाँ से क्या कीमत दे के निकाली बिल्कुल बिल्कुल उस्मान रियाज है, साहब, तो पानी बिल्कुल का ठीक कह पानी रही है। आपके साफ सामने होना टूट चाहिए, जाएगा। रिकॉर्ड होना चाहिए, और हुकूमत के पास है, हुकूमत ये कर सकती है। मैं शमी मुमताज़ साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है, एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शमी मुमताज़ साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। इस वक्त चूंकि सबसे बड़ा सवाल यही शहबाज़ गिल साहब के जो गुफ्तगू थी उसके ऊपर है, ज़ाहिर है उनके इस वक्त उसने एक्शन लिया हुकूमत ने और गिरफ्तार कर लिया गया उनको। सैयद गनी साहब कहते हैं कि ये इमरान खान का नज़रिया है। आपसे पहले भी ये बात हो रही थी कि क्यों हम रेड लाइन क्रॉस करते हैं ज़ाती मफाद के लिए, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अब मफाहमत के बजाय हम इस वक्त जारहाना सियासत पे जा रहे हैं और इदारों को मुलव्वस कर रहे हैं, इदारों पे तनकीद हो रही है, वो चाहे आपकी पार्टी हो या दूसरी पार्टियाँ हों। जब जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सिलसिला कब बंद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो जरीफ शुक्रिया बहुत। दूसरा ये कि आप लोगों की आवाज़ का प्रॉब्लम रहता है, मुझे बहुत रुक रुक के आवाज़ें आ रही थी, बाकी लोगों की भी मैं सही तरह सुन नहीं पाई हूँ। जहाँ तक आपने बात की है इदारों पर तनकीद करने की, या अपनी अपनी हुकूमत आती है और जब हम अपोजिशन में जाते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। देखिए इदारे, एक आईने पाकिस्तान मौजूद है, और आईने जी पाकिस्तान कहता है कि सबको अपने अपने दायरा कार में रहते हुए काम करना चाहिए, उसमें तमाम की ड्यूटीज तय हैं कि किसने क्या करना है। जब हम अपनी लाइन क्रॉस करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, इदारे हो या जमहूरी लोग हों, सियासतदान हो, जो भी हो, जब वो ब्यूरोक्रेट हो, जो भी अपनी जब हदूद पार करते हैं हम, तो वहीं से खराबी का आगाज हो जाता है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, जब जब भी जमहूरियत का खात्मा हुआ तो तब तब कोई और गवर्नमेंट आई। ठीक है, हम किसी एक की वजह से पूरे इदारे को बदनाम नहीं कर सकते, कोई एक किरदार होता है जो बदनामी का बाइस बनता है या तारीफ का बाइस बनता है। इदारे हमारे लिए मोहतरम रहे, बीबी शहीद का नजरिया था कि लोगों को नहीं, शख्सियात को नहीं, बल्कि इदारों को मजबूत होना चाहिए। तो हम तो इदारों की मजबूती पर यकीन रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो हमने कभी भी इदारों को इस तरह नहीं कहा। जहां तक बात शहबाज गिल की है या पीटीआई के चेयरमैन की है, तो जाहिर है आप खुद उठा के देख लें उनकी पूरी सियासत का दायरा उठा के देखें कि उस पूरे दायरे में रहते हुए उन्होंने किस तरह पाकिस्तान की सियासत को आप जनाब से निकाल के तू तड़ाक पर ले आए, वो गालब गलोच पर ले आए, वो किस तरह ओए करके बात करने की वो लेके आए। तो वो मुआशरे में जिस तरह एक नफरत अंगेज रवैये को जन्म देने का बाइस बन रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो कुछ देख रही है, जाहिर है अट्रैक्शन होती है चीजों में, रवैयों में, तो जाहिर है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो लोग। उसकी वजह कोई भी हो, वो आपके सामने खुलकर आ रही है कि जो फॉरेन फंडिंग हुई वो कहाँ खर्च हुई, किन लोगों पर खर्च हुई, किन लोगों को पाला पोसा गया बात करने के लिए, जिसकी मिसाल सोशल मीडिया के वो लोग हैं जो आके माफियां मांग रहे हैं। आज भी एक और शख्स ने माफी मांगी है, अगर कि मुझे अगर सहमी हो गई थी। तो ये देखें कि नफरत का मिजाज सियासत में कौन लाया, किसने लोगों में आपस में जो है वो बगावत का बीज बोया इदारों के दरमियान में। और आप अभी भी देखें कि वो शहबाज गिल को कोई भी जो है वो गलत नहीं कह रहे कि वो गलत है या उसने गलत किया है, उसमें कोई मजम्मत का रवैया नहीं है। और फिर वो सीसीटीवी कैमरा दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि शीशा तोड़ के उनको बाहर आराम से निकाला गया और गाड़ी में बिठा के ले जाया गया, FIR हो गई। और आज भी वो चेयरमैन टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि उसको कहाँ लेके जाया गया है, उसके ड्राइवर को मारा गया है, जबकि कैमरा अलग दिखा रहा है कि ड्राइवर तो गाड़ी से ही नहीं उतरा, वो तो गाड़ी साइड में लगाई है उसने उसके जाने के बाद। तो जो शख्स इस तरह आंखों में धूल झोंक के आवाम की झूठ बोल सकता है मीडिया पर आकर, तो सोचेंगे फिर कितने बड़े बड़े ऐसी बातें होंगी जो उसने झूठ बोली है और झूठी साबित हुई है। जहां तक आप तोशाखाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, करें तहकीकात करें। हमने तो उन सवालों के लिए जवाब दिए जो गुनाह हमने किए ही नहीं थे। जरदारी साहब ने तो जेल भुगती है 12-14 साल। शमी मुमताज़ साहब, मैं यही अर्ज कर रहा था कि प्रोसीजर है ना, ज़ाहिर आपके पास वफाकी हुकूमत है, अब किसी पे भी इल्ज़ाम लगता है तो आप उसको साबित करें, और अगर वो साबित हो जाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मसला ये है कि हमारे यहाँ आप जिस तरह आप जरदारी साहब की बात कर रही हैं, 11-11 साल सज़ा भी हो जाती है, उसके बाद बरी भी हो जाते हैं, इंसाफ किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, कोई इसी तरह इल्ज़ाम की जद में ही रहता है। तो ये चीज़ें, ये जो प्रोसीजर है ये इतना स्मूथ क्यों नहीं है कि सिस्टम होना चाहिए ना। हम इल्ज़ाम लगा देते हैं, रातों रात हम एक दूसरे को गद्दार करार दे देते हैं, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए।
देखिए बिल्कुल खत्म होनी चाहिए ये। अगर आपको मुल्क को तरक्की देनी है, ले जानी है, तो जैसे मैंने अभी इदारों की बात की, तो जिस तरह एक रेफरेंस दाखिल हो जाता है, लोग पिटीशन लेके कोर्ट चले जाते हैं, जो मामले पार्लियामेंट में हल हो सकते हैं वो कहीं और चले जाते हैं, जो मामले कहीं और हल हो सकते हैं वो फिर कहीं और हल होते हैं। तो जब तक ये रहेगा, आप देखिए इलेक्शन कमीशन एक फैसला करता है जी फॉरेन फंडिंग है, ये सबूत मिले, आप लेके आ गए उसको, अब आप उसकी अपील में कोर्ट जाएंगे, कोर्ट कोई और फैसला करेगा, वो आइन को किसी तरह वो आपके सामने लेके आता है। शमी मुंतजा साहब, मेरा मकसद भी यही था। देखिए 2018 की असेंबली को आप लोग नहीं मानते थे, जाली हैं, सिलेक्टर्स हैं, ये दिस एंड दैट, लेकिन उन्हीं असेंबलियों के तहत आपने इत्तेहादी हुकूमत बनाई। तो मसला सिर्फ यही आता है ना कि जब हम, या तो आप कल गलत थे या आज गलत थे, तो ये कन्फ्यूजन है, इसी कन्फ्यूजन के साथ ये पूरी कॉम चल रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ज़फीर, ना हम कल गलत थे ना हम आज गलत हैं। देखिए अगर कल हमने उस सिस्टम को कहा था कि जी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, गलत रिजल्ट आए, मगर हमने एक जमहूरी रवैये को अपनाया और अपोजिशन में बैठे हम तमाम पार्टियां, और अपोजिशन में अपना रोल हमने अदा किया फ्लोर पर रहकर, इसी तरह अगर एक आईनी तरीके से एक हुकूमत को बरतरफ किया गया, उसको वापस घर भेजा गया, तो उसका भी काम बनता है ना, कि बजाय इसके कि वो कहीं जाके चैलेंज करें, वो आए ऑन द फ्लोर अपोजिशन बैठे, ठीक है, बात को वहां करें ना। ठीक है, ठीक ठीक सिस्टम से निकलते हैं तो ये सारी खराबियां होती हैं। आप लाइन पर रहे, मैं जरा उज़मा रियाज साहिबा से पूछ लेता हूँ कि वो क्यों सिस्टम के अंदर नहीं रहते, वो अपनी सियासत कर रहे हैं। उज़मा रियाज जदून साहिबा, चूंकि फ्लोर आपने छोड़ दिया, पार्लियामेंट से बाहर आ गए आप कौमी असम्बली से, आप ये कह रहे हैं कि हमने एक आईनी तौर पे गो के ये फैसला इस वक्त होना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, आईन था, आईनी तौर पे उनका हक था, वो मूव लेके आए और आपको उन्होंने बाहर कर दिया, हुकूमत उन्होंने अपनी बना ली, लेकिन पार्लियामेंट में रहते हुए आप मुकाबला ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते थे इनका? देखिए जी, जो भी फैसला खान साहब का होगा, जो पार्टी लीडर का फैसला होगा, जाहिर है हमने उस फैसले को मानना है जी। और उनके बताए हुए स्ट्रेटजी को हमने अपनाना भी है और उसके मुताबिक हमने चलना भी है। बात यह है कि हम तो सब इस्तीफा देकर आ गए थे और हमारे जो डिप्टी के साथ थे उन्होंने वो इस्तीफे कबूल भी कर लिए थे, तो इन्होंने वो इस्तीफे क्यों नहीं कबूल किए? और आज ये 10-10, 11-11 इस्तीफे कबूल करते हुए और ये कहते हैं कि जी हम अपनी मर्जी से इस्तीफे कबूल करेंगे और अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चलाएंगे। बात यह है कि जिस वक्त बैठते हैं, मुख्तलिफ टॉप शोज के अंदर बात भी होती है और कहा जाता है कि जी पीटीआई हमारे साथ मीसा के मीशत क्यों नहीं करती, मीशत के मामला में हमारे साथ इन्वॉल्व क्यों नहीं होती, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं इन्वॉल्व होती। हम काम कर रहे थे ना, हम काम कर रहे थे, छोड़ देते। और उस वक्त आपको हम पर एतराज था कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम नालायक हैं, हम नाअहल हैं, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम गवर्नमेंट में रहते। आप भाग गए, आपने आप संभालें, मईशत को संभालें, आप सारी ये जो जो भी आपकी पॉलिटिक्स है उसको संभालें। इन्हीं पार्टीज के साथ आपको इलेक्शंस में जाना है और अगर आप बात नहीं करेंगे तो रिफॉर्म्स कैसे होंगे, इलेक्शंस कैसे होंगे, और इलेक्शंस अगर जमहूरी तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक नहीं होती इलेक्शन कमीशन के इकदाम के हवाले से और रिफॉर्म्स के हवाले से, तो फिर 2018 के इलेक्शंस की तरह इन पे भी सवालिया निशान इसी तरह उठेंगे और कंट्रोवर्शियल रहेंगे ये इलेक्शंस। बेहतर होगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान चूँकि अब 75 साल का हो चुका है तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो आपकी सियासत भी आगे चलेगी। नाज़रीन, वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो गोल्डन जुबली बनाई जा रही है 75 साल बेमिसाल, उस वाले से पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बनाने में, अपना बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह का एक नौजवान, उसने बड़ा मुनफरद एक रिकॉर्ड बनाया है यूनान के अंदर, उस नौजवान से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।